कल से शुरू हुआ, उससे पहले कोरोना नहीं था। कोरोना बूथ फॉलो कर रहे हैं आप? मैं नहीं लगा सकती, मेरे को अलाउड नहीं है मास्क लगाना, मेरे को डॉक्टर ने मना करा, मैं आपसे बात करवा। एकदम ही बढ़ते, एकदम ही नियम आ जाते सर। जब एकदम पीछे में कम हो गया था, इन्होंने मास्क का पूछा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई लॉ नहीं आया था, मास्क हटा दो, पुलिस वाले भी नहीं डालते थे। मास्क पर चालान और चालान पर घमासान का गुजरा हुआ वो दौर फिर से आ चुका है, क्योंकि कोरोना पैर पसार रहा है और पुलिस एक बार फिर से सख्ती के मूड में दिख रही है। जी हाँ, दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में जैसे ही अलर्ट जारी हुआ, अम्बाला पुलिस ने सड़कों पर बिना मास्क घूमने वालों पर कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चला दिया है, जिसके तहत यहां से गुजरने वाले बिना मास्क के लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस की ये सख्ती बाइक स्कूटी सवारों से लेकर कार, ऑटो और बसों में सफर करने वालों पर भी की जा रही है, और इस दौरान जो भी बिना मास्क के नजर आ रहा है उसका तुरंत चालान किया जा रहा है। हम ने करीब अभी 10 चालान काट दिए हैं, और लोगों को सबसे पहली बात तो समझाया भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। आज कुछ लोगों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ बस स्टैंड है, बसें आती हैं, लोगों बस में जा के समझाया जा रहा है, और बकायदा उनके ड्राइवर कनेक्टर हैं जो, उनको भी समझाया जा रहा है, भाई आप इनको अवेयरनेस कराया जाए, इनको समझाएं और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। इस बारे में बाकी हम SP साहब के अपने दिशा निर्देश के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बसों में सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं? हाँ, सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ले नहीं रहे थे तकरीबन, हमने देखा है, लेकिन उनको समझाया गया है, कनेक्टर ड्राइवरों को बाकायदा समझाया गया है इस बारे में। और अब हमारे पास ये जो बस स्टैंड है, अभी हम बस स्टैंड पे GM साहब से मिलूंगा जाके, भी आप भी थोड़ा हमारे को सहयोग करेंगे इस चीज़ में, उनको कहेंगे हम जाके, भी आप सभी ड्राइवर कनेक्टरों को एक बार बोल लेंगे अभी, ताकि पब्लिक इससे ज़्यादा जागरूक हो जाए। बसों और ऑटो में सफ़र कर रही सवारियों के पुलिस द्वारा मास्क चेक किए जा रहे हैं, और इस दौरान जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको पुलिस समझाती हुई भी नजर आई। पुलिस के इस अभियान के बीच सड़कों पर घूम रहे लोगों की लापरवाही भी खुलकर सामने आई। कई लोग तो चालान काटे जाने पर बहाने बनाते हुए दिखे, जिसकी वजह से पुलिस को भी उन्हें समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। साडे सामने ट्रक कटिया, उन्हें 5 महीने उन्होंने कहा मास्क लगाओ, क्यों नहीं उन्होंने फड़िया? लेकिन सर, ये जिम्मेदारी तो खुद की भी है सर। मैं मान रहा हूँ जिम्मेदारी है, मेरा चालान हुआ ना, मैं चालान भर रहा है ना, तो वो 5 बंदों का भी आप चालान करवाओ। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे आज से शुरू हुआ ना ये सर? कल से शुरू हुआ, उससे पहले कोरोना नहीं था। मैडम, कोरोना बूथ फॉलो कर रहे हैं? मैं नहीं लगा सकती, मेरे को अलाउड नहीं है मास्क लगाना, मेरे को डॉक्टर ने मना करा, मैं आपसे बात करवा। सर, अचानक ही नियम आ जाते हैं सर इनके, एकदम ही बढ़ते, एकदम ही नियम आ जाते सर। जब एकदम पीछे में कम हो गया था, इन्होंने मास्क का पूछा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई लॉ नहीं आया था, मास्क हटा दो, पुलिस वाले भी नहीं डालते थे, तब एकदम ही आ जाते हैं, मास्क चालान काट देते हैं। अब हम भी क्या कर सकते हैं सर, या तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट करें प्रॉपरली, अगर बीच में लीनियंट छोड़ते तो फिर 2-4 दिन और छोड़ दें, नहीं तो प्रॉपरली स्ट्रिक्ट करें। जब से गया कोई गवर्नमेंट की लॉ तो नहीं आया कि मास्क हटा दो, आप लोग हटा के घूम रहे थे ना। मास्क के चालान काटे जाने पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों ने कहा कि कोरोना की आड़ में आज सड़कों पर चलने वाले गरीबों के चालान काटे जा रहे हैं, जबकि वहीं सरकार की रैलियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो लापरवाही पुलिस प्रशासन को नजर नहीं आती। लोगों ने कहा कि नियम और कानून सभी के लिए होते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन सिर्फ सड़कों पर चलने वाले लोगों का ही चालान न काटे, बल्कि नेताओं की जनसभाओं और रैलियों में भी जाकर नियमों का पालन करें और चालान काट कर दिखाएं। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।